बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। आज के सेशन में बेसिकली हम बात करेंगे 40x40 के हाउस प्लान के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि हमारे पास यहाँ पर मेन गेट आ गया। मेन गेट से जैसे हम एंटर हुए तो सामने हमारे पास पोर्च आ गया। अब जो पोर्च का साइज है वो 12 फीट 5 इंच बाई 14 फीट 4 इंच है। इसी के अंदर स्टेयर्स है। हमारे जो क्लाइंट थे उनकी रिक्वायरमेंट थी कि ऊपर वाला घर हमने देना है रेंट पे, तो दैट्स व्हाई स्टेयर्स बाहर से ही रखे। इसके बाद अगर आप देखेंगे इस साइड पर एक एरिया आ रहा है, ओपन टू स्काई एरिया। बेसिकली ये जो ओपन टू स्काई एरिया है, इसी के अंदर ही पैसेज है जहां से गुजर कर जाएंगे हम अपने ड्राइंग रूम तक। यानी कि आपके जो बाहर के गेस्ट आते हैं वो यहां से गुजर के जाएंगे आपके ड्राइंग रूम तक, और इसी के अंदर आप यहाँ पर प्लांटिंग भी कर सकते हैं, और इसी के अंदर से ही लाइट और एयर ट्रांजेक्शन करेगी आपके ड्राइंग रूम में और आपके हॉल के अंदर। तो इसके बाद यहाँ पर हम आगे जी के यहाँ पर हमारे पास दो स्टेप हैं। दो स्टेप चढ़कर हम इंटर हो गए अंदर। जैसे हम अंदर गए तो बिल्कुल सामने हमारे पास हॉल आ गया। आप इसको हॉल भी कह सकते हैं, लिविंग एरिया भी कह सकते हैं, सिटिंग एरिया भी कह सकते हैं, लाउंज भी कह सकते हैं। 16 फीट 5 इंच बाई 15 फीट 4 इंच है, ठीक है। और इसको लाइट के लिए यहाँ पर ये देख सकते हैं कि, और हवा के लिए यहाँ पर विंडो है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ड्राइंग रूम आ गया। ड्राइंग रूम का जो साइज है 12 फीट बाई 14 फीट है, ठीक है। और ओपन टू स्काई एरिया है यहाँ पर। बाथरूम की वेंटिलेशन भी यहाँ पर ही है, और बाथरूम का जो साइज है 5 फीट बाय 3 फीट 6 इंच है। इसके बाद हम यहाँ पर आ गए तो इस साइड पर आप अगर देखें, यानी कि राइट साइड पर देखें, तो यहाँ पर हमारे पास किचन है। किचन का जो साइज है 8 फीट बाय 7 फीट है, और इसकी विंडो बिल्कुल बाहर है पोर्च में, जहां से हवा रोशनी अंदर दाखिल होगी। बिल्कुल सामने दो बेडरूम्स है। पहला बेडरूम इस साइड में आप देख सकते हैं कि 15 फीट 2 इंच बाय 12 फीट का है, और इसमें यहाँ पर एक कबर्ड बनी हुई है। कबर्ड का साइज में जूम इन करता हूँ, आप देख सकते हैं 3 फीट 9 इंच बाय 7 फीट 7 इंच है। और इसको हवा और रोशनी देने के लिए ओपन टू स्काई एरिया पीछे रखा गया है, और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाथरूम है। बाथरूम का साइज 7 फीट 5 इंच बाय 7 फीट 5 इंच है, ठीक है। और इसकी वेंटिलेशन भी यहाँ पर ओपन टू स्काई एरिया के अंदर ही है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो बिल्कुल ही वैसा ही दूसरे साइड पर बेडरूम है, और इसका साइज वही है बिल्कुल, और यहाँ पर बिल्कुल बाथरूम वैसा ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कपबोर्ड है 3 फीट 9 इंच बाई 7 फीट 7 इंच की, बिल्कुल वैसा ही इस साइड पर बनाया गया, ठीक है। तो ये था जी 40x40 का हाउस प्लान। अगर आप ऑनलाइन काम करवाना चाहते हैं तो बड़े अच्छे रेट्स के ऊपर हम आपको काम करके देंगे। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे, जिसमें स्ट्रक्चर, इंटीरियर, एक्सटीरियर और मुख्तलिफ प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रिक वगैरह की सारी ड्राइंग आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।